क्लासेस से करें फ्री पढ़ाई। पाठशाला क्लासेस है एक विश्वसनीय संस्थान जो कामयाबी की राह बनाए आसान। नमस्कार दोस्तों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीबी का आपका एग्जाम हो, चाहे आरएस स्तर का हो, चाहे पटवार हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, लगभग अगर बात करें आपके 3 से 4 सवाल जो होते हैं वो हमेशा फुल फॉर्म से संबंधित होते हैं। ये सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग शंकर, गुड मॉर्निंग सुनील, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। ठीक है, यहाँ पर आज हम लगभग 80 के करीब फुल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके जवाब जल्दी जल्दी आने चाहिए ताकि आप लोग, ठीक है, यहाँ पर मुझे पता चल सके कि लोगों ने कितना पढ़ लिया है, कितना रिवीजन आप लोग कर चुके हैं। क्योंकि मैंने कंप्यूटर के मोस्टली जितने भी टॉपिक थे जिनमें से फुल फॉर्म आती है वो तो मैंने पढ़ा ही दी है। केवल एकमात्र जो टॉपिक बचा है वो हमारा एमएस ऑफिस बचा है, जो भी हमें एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। और इसके अलावा मैं एक दिन कंप्लीट कंप्यूटर का रिवीजन भी आपको करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से बिंदु से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी से आग्रह है कि पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया ADSL, पूछा गया देखो ADSL का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है इसलिए आपको आंसर जल्दी जल्दी देने हैं। ये ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में ज्यादातर हम पढ़ चुके हैं पहले। ये पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया ADSL का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। जल्दी से आंसर बताइए ADSL का पूरा नाम क्या होगा। हाँ भाई, राम राम सभी को नमस्कार, राम राम। देखिए, कंप्यूटर टीचर और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के बैच जो होंगे वो दिवाली बाद में शुरू होंगे। देखिए, पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर दिया गया, देखो समझो, अबे गलत नहीं देना है, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन के ध्यान से पढ़िए। अबे मनीष राजपूत ने आंसर दिया है सी, आंसर आप लोगों ने दिया है। देखो सही आंसर होगा सी, एसिमेट्रिक DSL। अब यहाँ पे DSL का भी जो मीन आप लोगों को पता होना चाहिए, डिजिटल सब्सक्राइबर। देखिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए इस वाले पार्ट में पहले जो आपके ट्रेडिशनल, यहाँ पे ट्रेडिशनल जो भी टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, ठीक है, उस ट्रेडिशनल लाइन की अनुपात में अधिक तेज गति के साथ डेटा संप्रेषण करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड काम में लिया गया है। और उस स्टैंडर्ड को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम ADSL। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर, ठीक है, कॉपर वायर, आजकल जो वायर काम में आता है कि कॉपर वायर के अंतर्गत अंतर्गत डेटा डेटा संप्रेषण को अधिक अधिक गति के साथ प्रदान करना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा डेटा का संप्रेषण करने, भाई स्पीड बहुत मैटर है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि स्पीड बहुत जरूरी होती है, अगर स्पीड नहीं है नेटवर्क में तो आप लोग उसे यूज नहीं कर पाते हैं। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सब किसके माध्यम से संभव हो पाया है, इसी के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल है। चलिए अगला सवाल है आपका AVI। AVI का पूरा नाम आप लोगों को बताना। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ लाभ उठा सके।
ये कंप्यूटर में पहली बार आपने देखा होगा कि फुल फॉर्म पर बेस भी क्लास हो रही है। चलिए गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन बताइए, एवीआई का पूरा नाम क्या होता है? एवीआई का पूरा नाम बताना। देखो ऑडियो वीडियो इंटरफेस, ठीक है, ऑडियो वीडर वीडियो इंटरलीव, एक्टिव वीडियो इंटीग्रेटेड और ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन। हमें आंसर आप लोगों को बताना। देखो यहां पर इस वाले पार्ट का आंसर जो होगा, आंसर क्या है, बी ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड होता है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फुल फॉर्म्स होती है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी ऑडियो फाइल्स होती है, ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट है आपका ये वाला जो स्टैंडर्ड हम काम में लेते हैं। तो ऑडियो फाइल का मतलब जो होता है आवाज के रूप में। भाई आज अगर बात करें, हमारे पास में किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता है, भाई एक्सटेंशन से ही तो पता चलता है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑडियो वीडियो इंटरलिव्ड नाम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए आपका बायोस का पूरा नाम क्या। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए कि जो बायोस आप काम में लेते हैं उस बायोस का पूरा नाम क्या होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइलिंगुअल इनपुट ऑन सिस्टम, बेस इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ओपन सोर्स। जल्दी से आंसर बताना है। हाँ भाई देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे हिसाब से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। तो यहाँ पे ये याद रखिए कि यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रोम। रोम का पूरा नाम सभी को पता है कि रीड ऑनली मेमोरी। देखिए रीड ऑनली रोम में उपलब्ध, रोम में उपलब्ध एक सिस्टम प्रोग्राम, एक सिस्टम में प्रोग्राम जो इनपुट आउटपुट तथा बूटिंग से संबंधित होता है। तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आपका बायोस जो प्रोग्राम है वो कहां पर होता है। तो याद रखना बूटिंग से संबंधित एक प्रोग्राम होता है जो रीड ऑनली मेमोरी में है और उसे क्या कहा जाता है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, याद रखिए। ठीक है यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप लोगों को याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो बूटिंग से संबंधित या इनपुट आउटपुट गतिविधियों से संबंधित आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई चलिए अगला सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से सभी लोग दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है सीडी का पूर्ण रूप क्या है। सीडी जो हम काम में लेते हैं इस सीडी का पूरा नाम क्या होता है, सीडी का पूरा रूप क्या होगा या पूर्ण नेम क्या होगा वो आपको बताना है। हाँ फर्मवेयर भी होता है, बहुत अच्छी बात है आपको याद है। हाँ भाई जल्दी से आंसर बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने दिया गया है। चलिए सभी को आंसर पता है कि सीडी का जो पूरा नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। इसके बारे में जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो सीडी हम काम में लेते हैं इस सीडी का पूरा जो नाम होता है जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं और सीडी की जो संग्रहण क्षमता 650 एमबी से लेकर लगभग 700 एमबी होती है। यह एक प्रकार की कैसी डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल का मतलब कैसी डिस्क हो गई, प्रकाशीय डिस्क होगी। और इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी तकनीक होती है, लेजर टेक्नोलॉजी होती है। ये क्वेश्चन पटवार प्री में पिछली बार आया था कि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने के लिए कौन सी तकनीक काम आती है, लेजर। ठीक है फिर इसके बाद में ये भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये कहानी तीन प्रकार से होती है, एक तो कौन सी सीडी रोम, ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है जिसे WORM कहते हैं और तीसरा जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, सीडी आपका RW। देखिए इनके बारे में भी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है। याद रखना क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है।
सीडी रोम का पूरा नाम सभी को पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, नहीं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, वह मेमोरी या वह स्टोरेज डिवाइस जिसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है। ए सी डी, डब्ल्यू ओ आर एम, डब्ल्यू ओ आर एम का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, जिसमें अगर बात करें केवल एक बार लिखा जा सकता है, और जिसमें बार बार लिखा जा सकता है, बार बार मिटाया जा सकता है, वो कौन सा कहलाता है? री राइटेबल कहलाता है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अभी मैंने बता दिया, अब आंसर सही होना चाहिए, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए आपको। हाँ भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीडी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डेटा रोम, गलत है। यहाँ पे कंप्यूटराइज डेटा रोम, ये गलत है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, आंसर क्या आएगा आपका? तीसरा आएगा कि यहाँ पे सीडी का वह प्रकार जिसमें डेटा को केवल क्या किया जा सकता है, आप रीड कर सकते हैं, यूजर लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार में डेटा केवल रीड होता है। आपने देखो खाली सीडी लाते थे हम, एक तो एक खाली सीडी आती है जिसमें आप लिख सकते हो एक बार, वो तो सीडी डब्ल्यू ओ आर एम होता है, लेकिन वह ऑप्टिकल डिस्क सीडी जिसमें रोम वर्ड काम में लिया जाए, रोम का मतलब होता है जिसमें पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है, और पढ़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? सीडी को पढ़ने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एक कंपोनेंट काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सीडी प्लेयर। देखा होगा सीडी प्लेयर काम में आते थे, और उस सीडी प्लेयर के माध्यम से हम यूज करते हैं। हाँ सही है, डिस्क, और यहाँ पे अमेरिकन और उसकी फर्क पड़ता है, अमेरिकन और यूएस इंग्लिश में वर्ड्स अलग हो जाते हैं। चलिए अगला देखो। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर गलत कौन बताएगा आप में से? जल्दी से बताइए, गलत बताइए जल्दी से, कौन कौन गलत बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? ये एक ऐसा सवाल है जिसमें से हमेशा आपके यहाँ पर बेसिक फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो यहाँ पे सीपीयू की बात कर रहा है, तो जल्दी से आंसर बताइए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको बताना है सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, यहाँ पर इस वाले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन जो आपका दिया गया, उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बता दो। हाँ भाई सभी का आंसर आ चुका होगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू की जब भी बात करते हैं तो सीपीयू से संबंधित ये पॉइंट सभी को याद रखना है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का दिमाग, याद है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी लाइब्रेरियन के, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग जिस भाग को कहते हैं वो पार्ट कौन सा कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। और इस वाले पार्ट में आपके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक तो कौन सा होता है? अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका प्रयोग हम करते हैं अंक गणितीय, ये पूरा कंप्यूटर रिवाइज हो जाएगा आज की क्लास के आधार पर। ठीक है, आपको केवल एक ऑफिस अलग से पढ़ना पड़ेगा। सीयू, सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मतलब नियंत्रण इकाई, और एक और पार्ट मेमोरी के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सीपीयू रजिस्टर। याद रख लेना, इसमें से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। अभी हम राजस्थान पुलिस के एग्जाम की बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट आपका होने वाला है, तो उस वाले पार्ट में आपके कंपोनेंट्स के बारे में ज्यादा पूछे जा सकते हैं। चलिए यहां पर इस वाले पार्ट में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? चलिए जल्दी से आंसर बताइए, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? चलिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि आपका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी का पूरा नाम क्या होता है? पटवार मेंस में सीआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार आप लोगों से पूछा गया था। ये सीआरटी एक प्रकार का मॉनिटर कहलाता है, सीआरटी एक प्रकार का क्या कहलाता है? मॉनिटर। और इस मॉनिटर का जो पूरा नाम होता है, जिसे क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में पहले एक डिस्प्ले डिवाइस हम काम में लेते थे, ये इस तरह की एक डिस्प्ले डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा घरों में आया करती थी,
और इस वाली डिस्प्ले डिवाइस को हम जिस नाम से जानते हैं उसे क्या कहते हैं, सीआरटी। इस वाले पार्ट के अंतर्गत एक भाग काम में लिया जाता था इस तरह से। तो इस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं जो डिस्प्ले के काम में आती है, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते हैं, और इस पिक्चर ट्यूब पर जिस पदार्थ का लेपन होता है, ये क्वेश्चन पटवार मेंस में आया था पिछली बार, सीआरटी मॉनिटर की आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का लेपन होता है, तो किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो सीआरटी एक प्रकार का क्या कहलाता है, मॉनिटर, एक प्रकार का मॉनिटर कह सकते हैं, डिस्प्ले डिवाइस आप कह सकते हैं, जो पुराने समय में काम में लिया जाता था, आजकल इसका यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, कल की क्लास में ही मैंने पढ़ाया, डीएनएस का पूरा नाम क्या है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, आपका रिवीजन, आपका एक तरह से रिवीजन हो रहा है आज की क्लास में, जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसके बाद में, फुल फॉर्म तो याद हो ही रही है, रिवीजन भी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट में आपका डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ये अंतिम क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्येक वेबसाइट को एक एड्रेस से जाना जाता है, जिसे कहते हैं http://, लेकिन www.google.com ऐसा ही होता है। लेकिन प्रत्येक सिस्टम की बात करें तो उसे एक भाग से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का मतलब आपका होता है इंटरनेट। आईपी का पूरा नाम होता है, याद रख लो, अभी क्वेश्चन आएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे कोई भी डिवाइस नेटवर्क में आईपी के आधार पर जानी जाती है। तो यहाँ पे google.com की बात करेंगे तो google.com ये वाला जो पार्ट आता है, इसे तो हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे में चेंज करने वाला, ठीक है, आईपी को अगर बात करें डोमेन में और डोमेन को आईपी में चेंज करने वाला एक प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है, जो एप्लीकेशन लेयर पर काम में करता है, जिसे क्या कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है कि डॉस का पूरा नाम क्या होगा, डॉस का पूरा नाम क्या होता है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है डॉस का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस। जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग, कितना पढ़ के आए हो, कितना रिवीजन आप लोगों ने अभी तक कर लिया। हाँ भाई, आंसर बताना है आपका डॉस के बारे में। डॉस की जब भी बात करें तो डॉस की कहानी को हम क्या कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। याद देखिए, इस वाले पार्ट में डॉस है क्या, डॉस के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित विकसित सी यू आई पर आधारित आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिए जाते हैं, और यहाँ पर कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट आता है उस वाले पार्ट के लिए हम क्या कहते हैं, डीएसएल का पूरा नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना, डीएसएल का पूरा नाम क्या है। अरे पीडीएफ आ जाएगी अपने आप, इंतजार, तुम पीडीएफ नहीं आएगी तो तुम एग्जाम नहीं दोगे क्या, पढ़ाई करो, अभी क्लास चल रही है उसका आंसर दो, ठीक है, आपसे पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप आंसर तो देते नहीं हो, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लास में अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको अगर बात करे, ठीक है, पढ़ते हो नहीं, बस पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, आंसर आप बताते ही नहीं हो, एक भी सवाल जो पीडीएफ मांगने वाले हैं उनका एक भी सवाल अगर बात करें जवाब नहीं आता, कभी जवाब नहीं आता, ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लास में ही पढ़ना है आपको, अब क्लास में ही पढ़ो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डीएसएल का मीन जो क्या होता है, तो डीएसएल का मीन क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है।
तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में आप लोगों को डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो टेलीफोन के अंतर्गत आप लोगों ने आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित कार्यों को करने के लिए किया जाता है उसे डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है आप लोगों के पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? सभी ने सुना होगा डीवीडी के बारे में। चलिए डीवीडी का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा? देखिए अब यहां जब क्वेश्चन आता है डीवीडी का तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? डीवीडी की कहीं तो आप लोगों को मिलेगा फुल फॉर्म में क्या, डिजिटल, या तो कहीं तो मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क मिलेगा, या कहीं पर फुल फॉर्म आप लोगों को मिलेगी क्या, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। तो याद रखिए इन दोनों में से दोनों ही फुल फॉर्म सही है, गलत कोई सी भी नहीं है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर आप लोगों से कौन सा आंसर पूछना चाह रहा है। देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नहीं है, दोनों ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में केवल कौन सा है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो ऐसा आएगा बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, ऐसा आएगा। तो याद रखिए इस वाले पार्ट में डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क हो सकता है, और इसकी संग्रहण क्षमता सामान्यतः 4.7 GB से आपके कितने जीबी तक होती है, मानक डीवीडी में जो 4.7 GB से 17 GB। आंसर एकदम सही है, पढ़ के आए हो मतलब आज तो। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, अगला सवाल आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइए कि एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से आंसर बताइए कि एफटीपी का पूरा नाम क्या होगा, एफटीपी का पूरा नाम। हाँ भाई गुड मॉर्निंग सभी को, फर्स्ट कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है। चलो यहाँ पे आंसर बताइए, आप कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात हम कर रहे हैं आज की क्लास में, जल्दी से आंसर आपको बताना है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, जल्दी आंसर आने चाहिए आज, रुकना नहीं है, केवल आंसर देते चलना है। आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एकदम सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि फाइलों के आदान प्रदान, देखिए फाइलों के आदान प्रदान हेतु, आदान प्रदान हेतु एक प्रोटोकॉल, फाइलों के आदान प्रदान हेतु एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया जिसे एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। बहुत सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला देखिए, अगला आपसे पूछा गया जीआईएफ का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए जीआईएफ का पूरा नाम क्या होगा। अभी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, जीआईएफ का पूरा नाम क्या है। रुकने नहीं चाहिए, आंसर लगातार आपको आंसर देने हैं। जी आई एफ का बताना, जी आई एफ का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, जी आई एफ का आंसर बताना है। जी आई एफ का पूरा नाम जो होगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो यार कि कहा जाता है कि एक इमेज फाइल का फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे आपके इमेज फाइल जो होती है, जैसे आपने देखा हो कई बार जैसे आपके अलग अलग तरह की इमेजेस आती है जो ब्लिंक करती रहती है, एनिमेशंस उसमें आते हैं, तो वो इमेज वाला जो फॉर्मेट आपका माना जाता है वो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि एसडी का पूरा नाम क्या है। चलिए यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन बताइए कि एसडी का पूरा नाम क्या होता है, एसडी का पूरा नाम क्या कहलाता है, ये तो आपको बताना ही है। और यहाँ पे इस वाले पार्ट में एक और सवाल मैं लिख रहा हूं जो क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एक हाई डेफ मानक किसे कहा जाता है, कंप्यूटर के संदर्भ में एक हाई डेफ मानक किसे कहा जाता है, ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए हुए इस तरह के सीडी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ डीवीडी, तीसरा ऑप्शन दिया गया बीआरडी, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया एचवीडी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अबे एसडी का पूरा नाम सभी को पता है, हाई डेफिनेशन। आजकल हम कहते हैं ना कि एचडी वीडियो है क्या, हाई क्वालिटी के वीडियो है क्या, तो यहाँ पर एचडी वीडियो की तो बात कर ली, लेकिन स्टैंडर्ड बताना है
स्टैंडर्ड के रूप में आपके पास में चार नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहां पर इस वाले पार्ट में बी आर डी, यहाँ पे आंसर बताना है कौन सा आएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी आर डी। देखो सी डी तो एक आपके नॉर्मल जो वीडियोस आते हैं उनके लिए काम में ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, फिल फुल फॉर्म आती है। डीवीडी की बात करते हैं तो डीवीडी का पूरा नाम जो कहलाता है डिजिटल वर्सेटाइल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसके बाद में इसे कहते हैं ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे नीली बैंगनी किरणों पर आधारित होती है। और एसवीडी का मतलब होता है, जिसे क्या कहते हैं होलोग्राफिक, ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क के नाम से ही जाना जाता है। तो याद रखना इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो आजकल बीआरडी जो हाई डेफिनेशन पर आधारित होती है, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला सवाल है एसडीडी का पूरा नाम बताना है, जल्दी से आंसर बताओ, कोई बात नहीं गलत हो गया तो। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रिविजन कर लेना है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपको याद हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, जल्दी से आंसर बताइए कि एसडीडी का पूरा नाम क्या होगा, एसडीडी का पूरा नाम क्या होगा। हाँ, अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा, एचडीडी का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताए। हाँ भाई, सभी का आंसर क्या है, हाँ भाई आंसर क्या आएगा, ए आंसर दे रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। सही बात है, जिस जगह किसी हार्ड डिस्क को रखा जाता है या हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस काम में ली जाती है, सेम ऐसा ही नाम आपसे पूछा जा सकता है एफडीडी। एफडीडी का मतलब होता है, जिसे क्या कहते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर में जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस आप लोग काम में लेंगे उन सभी को किसी न किसी स्थान पर रखा जाता है और वो डिस्क ड्राइव कहलाता है। यहाँ पे फ्लॉपी के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जैसे सीडी के लिए सीडी ड्राइव, बीआरडी के लिए बीआरडी ड्राइव, एसवीडी के लिए एसवीडी ड्राइव। तो ये जो पार्ट आपके होंगे वो इस तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी सबसे अधिक संग्रहण क्षमता होती है, इसलिए इसे हम किसके नाम से भी जानते हैं, मास स्टोरेज डिवाइस। सबसे अधिकतम संग्रहण क्षमता की वजह से इसे मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। हाँ भाई, अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का बताइए, एच डी टीवी का नाम बताना है। एच डी टीवी लाते हो ना आजकल घर में, आजकल आपके घरों में देखा होगा एच डी टीवी के नाम से एक डिवाइस आया करती है, उस डिवाइस का नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। ठीक है, एच डी टीवी का, एच डी टीवी का पूरा नाम क्या होता है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, अगला सवाल आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का बताइए। तो यार एच डी टीवी का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन टेलीविजन। देखिए अधिक स्पष्टता के साथ में, अधिक क्लैरिटी के साथ में आजकल एक डिस्प्ले डिवाइस का प्रयोग किया जाता है और उस डिस्प्ले डिवाइस को हम किसके नाम से जानते हैं, वो डिस्प्ले डिवाइस हमारी किसके नाम से जानी जाती है, वो हाई डेफिनेशन टेलीविजन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, अगला सवाल है एसडीएमएल का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर्स बताते चलिए। ठीक है, आपको कितना याद है, कितना आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब रिविजन आपका होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है एसडीटीवी। ठीक है, एसडीटीवी की बात की जा रही है, जल्दी से आंसर बताइए। यहाँ पे एसडीएमएल हाइपर लिंक मार्क लैंग्वेज तो नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज नहीं है, ऑप्शन है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका होगा। तो याद रखिए एचटीएमएल आपका, एचटीएमएल के बारे में कुछ पॉइंट याद रख लो, एक प्रोग्रामिंग भाषा, एचटीएमएल की बात करें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका जिसका उपयोग जिसका उपयोग वेब पेज की डिजाइन हेतु होता है, वेब पेज की डिजाइन हेतु, किसी भी वेबसाइट के पेज की डिजाइनिंग हेतु एक आपका भाषा का प्रयोग किया गया, और वो भाषा कौन सा, एचटीएमएल। एचटीएमएल में बनी किसी भी फाइल का अगर एक्सटेंशन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो या तो .htm होता है, .html के नाम से फाइल एक्सटेंशन हो सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी को आ गया आंसर।
हाँ भाई, HTTP का पूरा नाम बताओ। गलत कौन बताएगा? सही तो सब बता रहे हो, गलत कौन बताएगा? चलो जल्दी से देखते हैं। हाँ भाई, अगला सवाल आप लोगों के पास में आ चुका है। सही सभी बता रहे हैं, गलत कौन बताता है? चेक करते हैं इस बार। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। HTTP का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। हाँ, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो याद रखिए, इस वाले पार्ट को कहा जाता है कि वेब संबंधित, यहाँ पे कहा जाता है कि वेब संबंधित सर्विस हेतु। तो वेब संबंधित सर्विस हेतु एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया है, और ये एक वेब संबंधित सर्विस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट का जब एड्रेस देखते हैं तो http:// ठीक है, www.google.com आपका दिखाई देता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर वेबसाइट संबंधित सर्विस को काम में लेना है तो हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत होगी, वो ये होगा। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो सर्विस नहीं मिलेगी। कभी कभी आपको https://, ऐसा भी मिलता है, www.पाठशाला, ठीक है, पाठशाला classes.in के नाम से मिलता है। तो यहाँ पे एस का मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी से होता है, अधिक सिक्योर होता है। देखा, वो लॉक लगा हुआ आ जाता है, वेबसाइट जो पार्ट आता है उस वाले पार्ट में आपका है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। अभी अगला सवाल है, IBM के बारे में पूछा गया। IBM का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में। IBM का पूरा नाम आप लोगों को बताना है कि IBM का पूरा नाम क्या होगा। अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन का बताइए कि IBM जो हम काम में लेते हैं, इस IBM का पूरा नाम क्या होगा। ये IBM का पूरा नाम जो होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारे पीसी जो डेवलप किए गए हैं वो IBM के द्वारा ही डेवलप किए गए। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को करेक्शन कर लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। आपको बताना है मॉडेम का पूरा नाम, ये मॉडेम जो आता है उस मॉडेम का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ भाई, रुकना नहीं है, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी तब तक रुकना नहीं है। आज सारे सवालों के जवाब आपको एक साथ देने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है इस वाले पार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया गया, जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर मॉडेम आपका, ठीक है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। देखो यहाँ पे मॉडेम के बारे में हम कह सकते हैं एक ट्रांसमीटर। मॉडेम की जब बात की जाए तो एक ट्रांसमीटर या रिसीवर, एक ट्रांसमीटर या रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर या रिसीवर होता है जिसका जिसका उपयोग जिसका उपयोग अनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल, अनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल, या डिजिटल सिग्नल से अनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। हमें यहां पर इस वाले पार्ट में क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलिए अगला सवाल, IE का पूरा नाम क्या होता है? IE का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। अबे जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आज तो यहां पर याद हो गए होंगे अभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। IE का पूरा नाम क्या? हाँ भाई नमस्ते, चलिए नमस्ते नमस्ते, चलिए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, आपस में बातचीत मत करो। यहाँ पर जितना ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दोगे, ये कोई काम ना आने वाली, यहाँ पर क्या पढ़ाई ही काम आने वाली है। तो यहाँ पे देखो, ISP का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज,
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंतर्गत आने वाला वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंतर्गत आने वाला एक वेब ब्राउजर आप लोग काम में लेते हैं और उस वेब ब्राउजर को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास में आईपी के बारे में। यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की क्लास आपकी दिवाली के बाद से शुरू होगी, तब तक अगर बात करें यही क्लासेस आपकी चल रही है, आप इन्हीं क्लासेस का लाभ उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, आईपी जो आप काम में लेते हैं उसका पूरा नाम क्या होगा। ऑप्शन है इंटरनल प्रोजेक्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्ट्रूमेंट आपका प्रोटोकॉल और इंडिविजुअल। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका होगा। और आईपी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं, इंटरनेट पर जुड़ी प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, IPv4 आपका एड्रेस होता है एक, तो जो कि 32 बिट का होता है, और एक एड्रेस जो होता है जिसे IPv6 कहते हैं, जो कि 128 बिट का एड्रेस होता है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि IPv4 कितने बिट का होता है, IPv6 कितने बिट का होता है। अगला सवाल आ चुका है क्वेश्चन नंबर आपका, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, जल्दी आंसर बताइए कि IRC के बारे में आप लोगों को बताना है। चलिए अगला जो फीचर आप लोगों को बताना है कि आईआरसी में आपका, आईआरसी के बारे में बताइए, इंटरनेट रीडेबल कोड होगा, ये इंटरनेट रीडेबल कोड, इमीडिएट टू रेडी कोड, इंटरनेशनल रिवाइज, या फिर आपका, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आपके चैटिंग संबंधित कार्यों के लिए एक प्रोटोकॉल सर्विस प्रोवाइड की गई है और उस प्रोटोकॉल सर्विस को हम जिस नाम से जानते हैं उसे इंटरनेट रिले चैट कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए प्रोटोकॉल से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जैसे ऑनलाइन संचार, मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेशन का एक माध्यम प्रदान करने के लिए एक कम्युनिकेशन सर्विस या प्रोटोकॉल का प्रयोग किया गया जिसे इंटरनेट रिले चैट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आप लोगों से पूछा है ISP, ISP के बारे में आपको बताना है, ISP का पूरा नाम क्या कहलाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए अगला सवाल आप लोगों से यहां पर पूछा गया, ISP का पूरा नाम क्या है। 64 बिट मैक एड्रेस बताया था, 64 बिट का तो मैक एड्रेस होता है। याद रखिए अब यहाँ पे नए फीचर्स की क्लास भी ले लेंगे, पहले अभी मेन जो जरूरी क्लास है वो देखो। आईएसपी जो पार्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट संबंधित सेवाओं को प्रदान करने वाले को आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, भारत में VSNL आपका है, जैसे आप लोगों ने MTNL का नाम सुना होगा, BSNL का नाम सुना होगा, या फिर अगर बात करें अभी रिलायंस जियो, ठीक है, और वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर VI के नाम से भी आ चुके हैं। तो इंटरनेट संबंधित सेवाओं को प्रदान करने वाला जो पार्ट होता है जिसे ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया, JPEG का पूरा नाम आपसे पूछा गया। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से पूछा गया JPEG, अगला सवाल आपसे पूछा गया JPEG का पूर्ण नाम क्या होगा। चलिए ये भी एक प्रकार का इरमा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट है। अभी सारी क्लास एक्सेल के बारे में भी बता दूंगा कि एग्जाम से पहले, अभी तो आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ो। यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इमेज फाइल का फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे जो भी पिक्चर होती है आपके उससे संबंधित है, जैसे आप MS पेंट में कोई पिक्चर बनाए उससे संबंधित पार्ट है। ऑप्शन पूछा गया, जल्दी से आंसर आप लोगों को बताना है। अभी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, JPEG का पूरा नाम क्या होगा। JPEG का पूरा नाम जो होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है, ये ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है, JPEG को पूरा नाम जो हम डिफाइन करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग सभी लोग जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का।
चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, लैन का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। अबे यहां पर अंत तक रुकना नहीं है आज तो, बटन यहाँ पे बटन दबाते रहिए आंसर के। आप लोगों को कितना याद हो चुका है, कितनी फुल फॉर्म्स आपको याद हो चुकी है, क्योंकि ये सवाल कोई नहीं करवाने वाला आपको। चलिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्थानीय क्षेत्र। ये स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क, तो स्थानीय क्षेत्र का जो नेटवर्क आपका कहलाता है, जो स्कूल कॉलेज बिल्डिंग आदि के अंतर्गत काम में लिया जाता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लैन आपका कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आपका मॉनिटर का एक और प्रकार, वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो हम काम में लेते हैं, उसका एक और टाइप आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या है, जो एलसीडी आप लोग काम में लेते हैं, जो एलसीडी आप लोग काम में लेते हैं, उस वाले पार्ट का बताएं, जल्दी से आंसर बताइए, एलसीडी का पूरा नाम क्या होगा। ये एलसीडी एक प्रकार की डिस्प्ले डिवाइस है जिसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी के अलावा एक और डिस्प्ले डिवाइस का नाम याद रख लो, लाइट। यहां पर इस वाले पार्ट में आप लोगों को कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट में लाइट एमिटिंग डायोड के अलावा आजकल एक जीपीडी और आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस प्लाज्मा, ये गैस प्लाज्मा डिस्प्ले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें आपका ओएलईडी, ठीक है, ओएलईडी का मतलब आप लोग याद रखिए कि ऑर्गेनिक लाइट, लाइट एमिटिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इन सभी को कनेक्ट करने की बात करें, तो इन सभी को कनेक्ट करने के लिए हम आजकल एक विशेष प्रकार के पोर्ट का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एचडीएमआई। पहले एक पोर्ट काम में आता था, कौन सा, वीजीए। पहले वाली डिस्प्ले डिवाइस को वीजीए से कनेक्ट करते थे, जिसे क्या कहते थे, वीडियो ग्राफिक्स। ठीक है, पहले वीडियो ग्राफिक्स एरे से कनेक्ट किया गया है, और आजकल एचडीएमआई से कनेक्ट करते हैं। जल्दी से फुल फॉर्म बताओ एचडीएमआई की। हाँ भाई, चलो जल्दी से आंसर बताइए कि एचडीआईएमआई का पूरा नाम क्या होता है, कौन बताते हैं, चलिए चेक करते हैं, जल्दी से आंसर बताइए एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, एचडीएमआई का पूरा नाम आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए एचडीएमआई का पूरा नाम क्या होगा। एच डी एम आई का पूरा नाम बताना। हाँ भाई, कंचन गोदारा सबसे पहले आंसर बताया है। देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसे क्या कहते हैं, हाई डेफिनेशन। देखिए हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए आजकल डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जिस पार्ट का प्रयोग किया गया, पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसे एच डी एम आई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के पास में आ चुका है, जिसे कहते हैं आपका MP3 का पूरा नाम क्या है। अबे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा MP3, गाने आते हैं ना, गाने जो आते हैं, तो MP3 भी एक तरह का आपका यहाँ पे ऑडियो फाइल है। याद रखना, ये ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है, ऑडियो फाइल से संबंधित जो भी ऑडियो फाइल होते हैं, उन फाइल से संबंधित एक फॉर्मेट होता है। MP3 का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। अबे आंसर सभी दे रहे हैं म्यूजिकल प्लेयर, सही बात है, म्यूजिकल प्लेयर 3 के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो म्यूजिकल प्लेयर 3 के नाम से आएगा। हाँ एकदम सही आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं। हाँ एकदम सही आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, MPEG, MPEG का पूरा नाम बताना है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को याद रखना है, MPEG किसका है, मल्टीमीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल का फॉर्मेट, जो मल्टीमीडिया फाइल्स आपकी काम में ली जाती है, उन मल्टीमीडिया फाइल्स का एक फॉर्मेट होता है, और उस मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट के बारे में आप लोगों को बताना है कि MPEG का पूरा नाम क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए, MPEG के बारे में बताना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप।
आप लोगों ने देखा हो मल्टीमीडिया में मूविंग इमेजेस होती होती तो इमेज है लेकिन वो मूव करती रहती है। तो मल्टीमीडिया का मतलब वह फाइल, देखो मल्टीमीडिया का भी मतलब क्या होता है कि वह फाइल जो कि ऑडियो प्लस वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन से, एक फाइल जो ऑडियो और वीडियो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी होती है उस फाइल को हम जिस नाम से जानते हैं उसे मल्टीमीडिया फाइल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ऑडियो और वीडियो के कॉम्बिनेशन वाली फाइल मल्टीमीडिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए एमएस डॉस, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए, एमएस डॉस जो काम में लिया जाता है उसका पूरा नाम बताना है। रुकना नहीं है आज, जब तक पूरी फुल फॉर्म नहीं हो जाती तब तक रुकना नहीं है, आज आंसर देते चलना है आपको। यहाँ पर ज्यादा इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। एमएस डॉस का पूरा नाम आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताना है, एमएस डॉस का पूरा नाम क्या है। हाँ भाई एमएस डॉस मैक्रो सर्वर डिस्क्रिप्शन सिस्टम, ये तो हट गया। एमएस डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के नाम से होगा डी। देखिए डॉस का पूरा नाम सभी को पता है कि मैं बता ही चुका हूं कि डॉस का पूरा नाम जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सीवाई पर बेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों को याद रखना है। जब भी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस की बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट में, इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला सवाल है आप लोगों के सामने, ऑपरेटिंग ओएस का पूरा नाम बताना है, जो ओएस आप काम में लेते हैं इस ओएस का पूरा नाम बताना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, ओएस का पूरा नाम क्या होगा। अरे बहुत सिंपल से सवाल है, आप तो गलत नहीं होना चाहिए। ओएस ओपनिंग सर्विस, अरे ओपनिंग सर्विस कैसे होगा। अरे अगला सवाल है, ओएस का पूरा नाम क्या होता है, ये ओएस का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे याद रख लो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सभी संसाधनों को, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सभी संसाधनों को कंट्रोल तथा मैनेज करता है, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सभी प्रकार के संसाधनों को नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है उस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला सवाल जल्दी से आंसर बताइए, पीसी का पूरा नाम क्या होगा। अरे डिस्क और डिस्क में कोई फर्क नहीं होता, अब लैंग्वेज का फर्क। ठीक है, यहां पर आपके अमेरिकन और यूएस इंग्लिश में स्पेलिंग्स का फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता है, सेम चीज होती है। एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो, मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं एक बार में ही देख लेता हूँ, एक बार में ही समझ में आ जाता है मुझे। अगला देखो, पीसी का जो मतलब होता है, पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर को ही हम किसके नाम से भी जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी ये लोग जाने जाते हैं। और इस कैटेगरी में जैसे आप लोगों ने लैपटॉप जो हम काम में लेते हैं वो हो सकता है, हथेली पर रखकर काम में ली जाने वाली जो डिवाइस है पाम टॉप होता है, या हाथ में रखकर जो डिवाइसेज हैंडल डिवाइसेज जो आपके काम में ली जाती है वो हो सकती है, या पीडीए जो आप लोग काम में लेते हैं, पीडीए का भी पूरा नाम आएगा एग्जाम में, इसे कहते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो हम काम में लेते हैं वो पार्ट आप लोगों को डिफाइन करना है। याद रखना पर्सनल वह कंप्यूटर जिसे आप लोग काम में लेते हैं उस वाले पार्ट को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो पार्ट आता है पीएनजी का पूरा नाम बताना है। तो पीएनजी का मतलब कहा था एक इमेज फाइल, एक इमेज फाइल का फॉर्मेट, जो भी इमेज फाइल होती है उस इमेज फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएनजी कहते हैं। हमें जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि पीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, पीएनजी का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है कि पीएनजी जो आप काम में लेते हैं इस पीएनजी का पूरा नाम क्या होगा।
पीएनजी एक इमेज फाइल होती है और इस इमेज फाइल का पूरा नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पीएनजी जो आपकी इमेज फाइल होती है उस इमेज फाइल का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, ऑप्शन बी आएगा, सी गलत है, पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पीएनपी, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बार आप लोगों के पास में आता है, पीएनपी का पूरा नाम आपको बताना है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के पास पे दिया गया पीएनपी के बारे में, पीएनपी का पूरा नाम आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है पीएनपी का पूरा नाम क्या होगा। पीएनपी का पूरा नाम होता है प्लग एंड प्ले, प्लग लगाओ और प्ले कर लो, सीधा जो प्लग एंड प्ले जो आपका काम में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पीएनपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में अगला, रैम के बारे में, ये तो सभी लोगों को पता होगा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे रैम की फुल फॉर्म अभी तक नहीं आई होगी। हाँ भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया पीएनपी का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो बताना है पीएनपी का पूरा नाम बताना है, जल्दी से आंसर बताइए कि पीएनपी जो हम काम है, उसके बाद में रैम का फुल फॉर्म पूछा, जल्दी से आंसर बताओ रैम का पूरा नाम। हाँ भाई, रैम जो हम काम में लेते हैं इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ये एक कंप्यूटर सिस्टम की कैसी, वॉलेटाइल, या फिर हम क्या कह सकते हैं कंप्यूटर की कैसी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी। इस मेमोरी में डेटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, इसलिए इसे आर डब्ल्यू एम का मतलब होता है रीड राइट मेमोरी, आर डब्ल्यू एम, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है आप लोगों से पूछा गया रोम का पूर्ण नाम क्या है, रोम जो हम काम में लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए रोम जो हम काम में लेते हैं इस रोम का पूरा नाम आपको बताना है कि रोम क्या होती है और रोम का पूरा नाम आपका क्या होगा, चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो यहाँ पर ये रोम जो पार्ट आती है, रोम का मतलब रैंडम ऑफ मेमोरी, रियल टाइम ऑन मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी आपकी कहलाती है। जब भी रोम की बात करेंगे तो रोम कंप्यूटर की एक प्रकार की कैसी मेमोरी कहलाती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो ये वाली जो मेमोरी काम में ली जाती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, या फिर इस मेमोरी को हम कंप्यूटर की जिस मेमोरी से नाम से जानते हैं उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं। ये परमानेंट मेमोरी है, इसके कंटेंट को आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, रुकना नहीं है, लास्ट तक रहना है आपको, जल्दी से क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। जल्दी से अगला सवाल आ चुका है, जल्दी से पूरा नाम बताए टीसीपी का पूरा नाम। हाँ भाई अगला सवाल आ चुका है, पॉइंट नंबर आपका टीसीपी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। टीसीपी के बारे में, टर्न अराउंड कंट्रोल पॉलिसी गलत है, टर्मिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग ये गलत है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स के ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है और उस प्रोटोकॉल को हम नाम जानते हैं टीसीपी। टीसीपी का पूरा जो नाम होता है जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला सवाल है यूपीएनपी, यूपीएनपी देखो यहां से आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फिर भी देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यूपीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यूनाइटेड प्लग एंड प्ले, आपका यूनिवर्सल पावर एंड प्ले, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थ्री, यूनिवर्सल आपका मतलब होता है आपका असमान रूप से, मतलब समान, यहाँ पे सिमिलर मैनर में, वेन एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेज, तो यहाँ पे सीधे अगर बात करें समान रूप से कनेक्ट करना चाहें तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखिए इस वाले पार्ट पे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का पूरा नाम पूछा है, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर है।
हमें आंसर लास्ट तक देना है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म के नाम पूरे याद होने चाहिए, कोई बात नहीं गलत हो गया चलिए। यहाँ पे यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका यूनाइटेड रिजल्ट ओकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर टू होगा, जिसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेबसाइट का एक वेब एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, और उस वेबसाइट के एड्रेस को हम वेब एड्रेस के नाम से जानते हैं, जैसे यूआरएल भी कह सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अगला सवाल है, यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। यूएसबी जो हम काम में लेते हैं वो एक प्रकार का पोर्ट है, जिसका प्रयोग समान रूप से सभी प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि यूएसबी जो हम काम में लेते हैं उसका पूरा नाम क्या होगा। यूएसबी जो हम काम में लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्यूशन फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का पूरा नाम होता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल सभी प्रकार की एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इन सभी को समान रूप से कनेक्ट करने के लिए आजकल एक पोर्ट काम में लिया जाता है, जिसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल है, जल्दी से आंसर बताओ, WWW का पूरा नाम क्या होगा। अगर ये सारी फुल फॉर्म याद होगी तो मान के चलो कि कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे सही कर लोगे तुम। WWW का पूरा नाम क्या होता है कि विंडोज द वॉलेट, आपका वर्ल्ड वाइड वेस्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका नाम जो होता है WWW का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और ये भी याद रख लो कि इसे किसने विकसित किया है, टिम बर्नर्स ली। तो याद है कि इस वाले पार्ट में टिम बर्नर्स ली द्वारा विकसित किया गया एक वेब सर्वर, जिसे बाद में इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अभी वर्ल्ड वेब, सॉरी, अच्छा ऑप्शन थ्री नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्शन कर लेना भाई। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है इस वाले पार्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ भाई, 4-4, ठीक है कोई बात नहीं। अगला सवाल आपके पास में, जी आई का पूरा नाम बताना है, जी ओ आई का पूरा नाम बताइए, जी ओ आई का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। जी ओ आई का मतलब ग्राफिक्स एंड यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाँ भाई, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जब भी कोई भी प्रयोक्ता कोई भी कार्य को करने के लिए कमांड को सेलेक्ट करता है, यहाँ पे कमांड लिखनी नहीं पड़ती, टाइप नहीं करनी पड़ती, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, जैसे एमएस विंडोज हो सकता है, एमएस विंडोज के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैक हो सकता है, आईओएस आप लोग काम में लेते हैं वो हो सकता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आप काम में लेते हैं वो हो सकता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसा ही डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है एसक्यूएल। एसक्यूएल किस प्रकार की लैंग्वेज होती है, क्वेरी लैंग्वेज है, कल की क्लास में ही बताया था मैंने। हाँ, तो एसक्यूएल का पूरा नाम अब आपको बता देना है कि एसक्यूएल जो हम काम में लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ भाई, एसक्यूएल का पूरा नाम सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखो, वेब संबंधित सर्विस को काम में लेने के लिए यहाँ पे जैसे एचटीएमएल काम आता है, वैसे आप क्वेरीज करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वाले पार्ट में एक और रिलेटेड शब्द याद रखो, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो RDBMS का मतलब होता है कि रिलेशनल डेटाबेस। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से हम इसे डिफाइन कर। हाँ भाई, प्रणाम भाई, ये RDBMS याद रखना। चलिए अगला सवाल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताओ। DPI का पूरा नाम बताना है, DPI का पूरा नाम सभी को आ गया होगा, याद हो गया होगा। अबे नेक्स्ट देखिए, इस वाले पार्ट में DPI का पूरा नाम बताना है, तो यहाँ पे डॉट्स पर इन, सही बात है।
आपकी डिस्प्ले डिवाइस की जोर स्पष्टता एक बिंदु पर निर्भर करती है और उस बिंदु को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता रेजोल्यूशन पर निर्भर करती है और रेजोल्यूशन को हम जिस पार्ट पे मापते हैं उसे डीपीआई कहते हैं, डॉट्स पर इंच के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अबे याद रखना, अगर कभी भी पूछे जाए डिस्प्ले क्वालिटी, ठीक है, अगर कभी भी आप लोगों से प्रश्न में डिस्प्ले क्वालिटी पूछ लिया जाए या फिर आप लोगों से प्रिंटर प्रिंटर का आउटपुट आउटपुट पूछ लिया जाए या फिर प्रिंटर के आउटपुट के अलावा आप लोगों से पूछा जाए गुणवत्ता, तो ये जो सभी पार्ट जिसके माध्यम से डिफाइन किए जाते हैं वो आपका डीपीआई के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखो। अभी नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर आपको देना है। चलिए अगला सवाल है, आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, अगला सवाल है आपके पास में यूज नेट। यूज नेट का मतलब, यूज का मतलब यूजर से होता है और नेट का मतलब किससे होता है, नेटवर्क से होता है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में यूज नेट का मतलब यूजर नेटवर्क से यहाँ पर आपका आता है। चले कोई बात नहीं, यहाँ पर यूजर नेटवर्क एक प्रकार का, देखो ये क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सल नेटवर्क टेक्नोलॉजी गलत है भाई, बी बी आंसर आप दे रहे हो, तुक्के मार रहे हो आप तो। यूज नेट भाई किसी ने, देखो यहाँ पर यूज नेट आंसर यहाँ पर होगा, यूजर नेटवर्क होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 आपके पास में है। हाँ, नया क्वेश्चन है आप लोगों से, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है SGML, SGML का पूरा नाम आप लोगों को बताना है कि SGML का पूरा नाम क्या होगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी आंसर बताते चलो। यहाँ पर इस वाले शॉर्टकट की भी क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, तुम तो आदेश करते जाओ, तुम पढ़ते चलो बस। यहाँ पे SGML का पूरा नाम जो होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज के नाम से, याद कर लेना। नहीं, ये सब लैंग्वेज से संबंधित स्टैंडर्ड, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसमें तुक्का मत मारो, मुझे पता है किसी को नहीं आता ये, ठीक है, बहुत कम लोगों ने आंसर दिया होगा। स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता, बी तो नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड ग्राफिक्स मशीन लैंग्वेज तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई बात, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो एग्जाम में क्या, ये नहीं कि आंसर देना ही जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है आंसर देना, ठीक है, वहां पे भी आप छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, टेंशन मत लो। अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए यहाँ पर इस वाले पार्ट पे अगला सवाल है EOF, अगला नया सवाल। देखो ऐसे सवाल भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, जहां फाइल समाप्त हो जाती है वहां पर EOF यूज किया जाता है, एंड ऑफ फाइल के कहते हैं। हमें कोई बात नहीं, तुक्के भी चलते हैं, कभी कभी चलते हैं लेकिन हमेशा नहीं चलते हैं, तो याद रखना इस वाले पार्ट में आप लोगों को एंड ऑफ फाइल के नाम से जाना जाता है। जब फाइल समाप्त हो जाती है वहां पे EOF का यूज किया जा सकता है और उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ फाइल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है PDA, PDA का पूरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDA आपको पता होना चाहिए, PDA के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी आप लोगों को बताया था। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट, PDA का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा। जब हम PDA की बात करते हैं तो PDA में जो भाग आएगा उसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। तो PDA जो हम काम में लेते हैं उसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया, सबको याद हो गया अब तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 49 अगर बात करें, बताना फ्लॉप्स का पूरा नाम बताना है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को बताना है फ्लॉप्स का पूरा नाम बताना है। देखो समझो, फ्लॉप्स अगर आपके कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है, अगर आप लोगों से सुपर कंप्यूटर की स्पीड, आपकी गति आपसे पूछी जाए, सुपर कंप्यूटर की स्पीड या गति के बारे में आप लोगों से पूछा जाए तो उसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कहते हैं। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पूरा नाम होगा फ्लॉप्स होगा,
और इसी से संबंधित एक और पार्ट आप याद रख लीजिए, आपके सीपीयू की निष्पादन क्षमता एमआईपीएस। एमआईपीएस का मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के नाम से जाना जाता है। एमआईपीएस जो आता है उसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कहते हैं। एमआईपीएस के अलावा, एमआईपीएस के अलावा भी आप लोगों से जैसे एच जेड की फुल फॉर्म आती है, एच जेड जो सीपीयू की स्पीड होती है जिसे हर्ज में मापा जाता है, सब फुल फॉर्म याद रखो, सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आई हुई है। अबे नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। अगला सवाल है आप लोगों से फोर्टन। फोर्टन का पूरा नाम बताना, एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। अबे फोर्टन जो पार्ट आता है जिसे कहते हैं कि वैज्ञानिक, यहाँ पे वैज्ञानिक तथा अंक गणितीय गणना हेतु हेतु प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा। तो एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी कि आपके फोर्टन की जब हम बात करते हैं तो फोर्टन का मतलब क्या होता है, जब भी फोर्टन के आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से इस भाषा को जाना जाता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, अगला सवाल आपको दिया गया, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए कोबोल के बारे में पूछा गया, कोबोल भी एक भाषा का नाम है। चलिए जल्दी से भाषा का नाम पूछा गया है, यहाँ पर अलग अलग तरह की भाषाएं आपके काम में ली जाती है कंप्यूटर में, जिनके फुल फॉर्म भी आते हैं, जैसे प्रोलॉग आता है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक। नाम याद कर लेना, इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे बेसिक नाम से भी लैंग्वेज आती है, बेसिक का पूरा नाम जो होता है जिसे क्या कहते हैं, बिगनर्स ऑल पर्पज, ठीक है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक, यहाँ पे सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड आपका कहलाता है। एक आता है LISP, LISP का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। एक भाषा काम में आती है VB, VB का मतलब क्या होता है, विजुअल बेसिक के नाम से आपकी भाषा आती है। तो ऐसे आपको भाषाओं के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे आपके बहुत सारी पार्ट आता है, जैसे ASP जो हम काम में लेते हैं, जिसे एक्टिव सर्वर पेज आपके कह सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के नाम से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा पार्ट है। तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, लैंग्वेज पर बेस्ड या तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, हमें नेक्स्ट सवाल है आपका, WAN का पूरा नाम बताना है, जल्दी से आंसर बताइए, WAN का पूरा नाम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, आपको बताना है WAN का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। WAN का मतलब आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ग्लोबल नेटवर्क, यहाँ पर आपके ग्लोबल नेटवर्क बड़े ग्लोबल क्षेत्र पे हम जो नेटवर्क की बात करते हैं, उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संचार हेतु एक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है और उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल सभी को पता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क का जो एग्जांपल होगा उस एग्जांपल को हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल है आप लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर 54 आप लोगों के सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहरी क्षेत्र के नेटवर्क की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है MAN का पूरा नाम क्या, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MAN का पूरा नाम जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है शहरी क्षेत्र का, शहरी क्षेत्र का एक नेटवर्क, एक शहर के अंतर्गत जो नेटवर्क आप लोगों के काम में आता है उस वाले पार्ट को हम जो डिफाइन करते हैं उसे कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। शहरी क्षेत्र का एक नेटवर्क है।
चलिए अगला सवाल है, स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पास में दिया गया है, आपका एलडीयू के बारे में पूछा गया, नहीं यहाँ पर एलडीयू के बारे में आप लोगों से पूछा गया, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एलडीयू जो हम काम में लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा, ये एलडीयू का पूरा नाम क्या होगा आप लोगों को बताना है जल्दी से। एलडीयू, एलडीयू का मतलब होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, जैसे एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, वैसे अगर बात करें एलडीयू भी होता है, और एलडीयू का पूरा नाम जो होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, याद कर लो। देखो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप लोग, यहाँ पर थ्योरी थ्योरी नहीं है, आप लोगों को याद कर लेने, एक तरह से मान लो कि आप लोग याद कर लो, रट लो, अगर इन्हें याद कर लिया तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आएंगे वो सही कर जाओगे। अगला सवाल है, डीटीपी का पूरा नाम क्या है। डीटीपी, डीटीपी शब्द कई बार आता है, डीटीपी सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछा जाता है, डीटीपी सॉफ्टवेयर का उदाहरण भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है डीटीपी का पूरा नाम क्या है। डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप से संबंधित जो हम काम में लेते हैं उस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग की जब भी हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जैसे कोरल आपका काम में लिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर आपका काम में लिया जा सकता है, पेज मेकर काम में आ सकता है, एक सॉफ्टवेयर जो हमारा काम में लिया जा सकता है जिसे फोटोशॉप कह सकते हैं, तो कोरल, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये जो सभी सॉफ्टवेयर आपके काम में लिए जाते हैं, इन सभी सॉफ्टवेयर को हम जिस नाम से जानते हैं जिसे डीटीपी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। अगला सवाल है, FAT का पूरा नाम बताना है। नहीं यहाँ पे कंप्यूटर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के फाइल सिस्टम्स आपके काम में लिए जाते हैं, उसमें से एक है FAT, जिसे क्या कहते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल के बारे में हम लोग यहाँ पर बताते हैं, ये यही आपका लेवल कोई कुछ नहीं है, कोई मापने का कोई पैमाना नहीं लेवल का। इसके अलावा अगर बात करें, एक नया सिस्टम आजकल काम में लिया गया NTFS, NTFS का मतलब जो होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS जो हम काम में लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को फाइल एलोकेशन, जो फाइल और फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन को रखती है, उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नहीं यहाँ पे अगला सवाल है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई जो हम काम में लेते हैं उसे पूरा नाम क्या डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ पे वायरलेस फेडरेशन, वायरलेस यहाँ पे ऑफ और इंटरनेट, या वायरलेस फिडिलिटी, यहाँ पे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा जिसे क्या कहते हैं, वायरलेस फिडिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो वाईफाई जो हम यहाँ पे वायरलेस फिडिलिटी जो एक प्रकार के नेटवर्क का निर्माण करता है, डब्ल्यू लेन, और डब्ल्यू लेन का मतलब आपका क्या कहलाता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो डब्ल्यू लेन जो हम काम में लेते हैं, जो एक वायरलेस नेटवर्क का निर्माण करता है जिसे डब्ल्यू लेन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, पिछली बार पटवार प्री में भी पूछा गया था, रेलवे NTPC में भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सवाल जो आपका आता है वो देखिए, चलिए अगला सवाल है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, CUI का पूरा नाम क्या। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, देखो अबे आंसर तो सभी के सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला है CUI का पूरा नाम, कंट्रोल यूजर इंटरेक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में कमांड यूजर इंटरफेस मिलेगा, अगर कमांड यूजर इंटरफेस ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर मिलता है, या तो कमांड यूजर इंटरफेस मिलेगा या करेक्टर यूजर इंटरफेस मिलता है। तो यहाँ पे कॉमन यूजर इंटरफेस तो नहीं होगा, कॉमन यूजर इंटरफेस कैसे, दो ही इंटरफेस होते हैं, या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है या कमांड यूजर इंटरफेस के बारे में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नहीं यहाँ पर इस वाले पार्ट में अगला है VLSICS। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो फुल फॉर्म्स होती है, जैसे आप लोगों ने VLSI का नाम सुना होगा, जैसे VLSI का पूरा जो नाम होता है जिसे क्या कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है।
पीएलएसआई के अलावा जैसे यूएलएसआई काम में लिया जाता है, तो ये यूएलएसआई का जो मीन होता है जिसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से ही जाना जाता है। तो तीन तरह के पार्ट हो गए, वीएलएसआई और यूएलएसआई, ऐसा पार्ट आप लोगों को डिफाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप लोगों को याद रखना है कि कौन, अभी कोई लेवल कुछ नहीं बता सकते, मैं अभी क्लास लूंगा, ठीक है, कितनी गहराई से पूछा जाएगा सब, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा अलग से, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उस दिन हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर पेपर आ रहा है और उस पेपर की कैसे हमें तैयारी, रणनीति क्या होनी चाहिए अंतिम दौर पर, वो हमें याद, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आपका आंसर होगा, बी आंसर सभी का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सब आगे हम चर्चा करेंगे। ओएमआर के बारे में बताना है, जल्दी से बताइए ओएमआर का पूरा नाम क्या है। चलिए, अगला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। कंप्यूटर टीचर की क्लास भाई हम स्टार्ट करेंगे दिवाली के बाद में, दिवाली के बाद में स्टार्ट करेंगे। ओएमआर जो हम काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर्स, रीडर्स और ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो याद रखिए ऑप्शन बी आपका, देखो थोड़ा सा एक एक शब्द आपको पढ़ लेना है, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। तो यहाँ पर ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आपको कुछ पॉइंट याद रख लो इससे, ये वाली जो डिवाइस हम काम में लेते हैं ये एक प्रकार की कैसी युक्ति है, इनपुट युक्ति है। तो यहाँ पर अगर बात करें, कहा जाता है कि पेज पर अंकित निशान, अंकित निशान को पढ़ने हेतु, पेज पर अंकित निशान को पढ़ने हेतु जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो पार्ट होता है। या पेज पर अंकित जो निशांश होते हैं, निशान जो होते हैं उन्हें पढ़ने वाली जो डिवाइस होती है उस वाले पार्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो पार्ट आपका यहाँ पर काम में लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट, या फिर कहा जाता है कि एक यहाँ पे एक परीक्षार्थी, एक परीक्षार्थी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट को जांचने के लिए, आंसर शीट को जांचने हेतु, आप ऑफलाइन पेपर देकर आएंगे, आपकी जो भी ओएमआर शीट होगी उसे पढ़ने वाली जो डिवाइस आपकी होगी जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं ना आप लोगों के, उन्हें जांचने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 62 आप लोगों को बताना है, चलिए जल्दी से आंसर बताइए कि ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है। ओसीआर, ओसीआर के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों के ओसीआर जो हम काम में लेते हैं ये भी एक प्रकार की, किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पर इस डिवाइस का प्रयोग हम हस्तलिखित, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने हेतु, हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने हेतु जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उस वाले पार्ट को हम जिस नाम से जानते हैं उसे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कह सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इस वाले पार्ट में ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला सवाल आप लोगों से पूछा आ जाता है यहाँ पर। हाँ भैया, सब कंप्लीट हो जाएगा आपकी क्लासेस आपकी, यहाँ पर आपके दिवाली के बाद में आपके कोचिंग संस्थान खुलने की पूरी संभावना है, तो आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं वो सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर एक ही कमेंट को, पीडीएफ कल की पीडीएफ नहीं मिली थी, कोई बात नहीं, कारणवश भूल गए होंगे, बालक हैं भूल जाते हैं कि पीडीएफ डालना, कल आज आपको दोनों क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ओडीबीसी का पूरा नाम बताना है, चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ पर ओडीबीसी का पूरा नाम है जिसे क्या कहते हैं, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो ये कनेक्टिविटी से संबंधित है, आप लोगों को याद, ओपन डेटाबेस कनेक्शन नहीं, कनेक्टिविटी होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। यहाँ पर इस वाले पार्ट में नेक्स्ट देखिए, आपको अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि ओएलई, ये सूचना सहायक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ओएलई का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए। हाँ भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए, ओएलई का पूरा नाम क्या होता है।
OLE का पूरा नाम क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंक्ड एग्जीक्यूशन, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, यहां पर इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड। यहाँ पे एक तरह के फाइल और आपके अदर फॉर्मेट को इंक्लूड करने के लिए काम में लिया गया है। अबे कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो याद कर लेना, पीडीएफ आपको क्लास के बाद में इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती हो गई कोई बात नहीं, एक नहीं दो बार नहीं, 10 नहीं, कितनी बार भी गलती करो, लेकिन एग्जाम में कोई गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। अबे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया, अगला सवाल बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा गया ओओपीएस, ये पूछा गया OOPS का पूरा नाम क्या है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम सिनॉप्सिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज अगर बात करें, यहाँ पर अगर लैंग्वेज की बात की जाए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो जैसे सी प्लस प्लस और जावा, ये दो लैंग्वेज है जो एग्जाम में बार बार रिपीटली आप लोगों से पूछी जा सकती है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए आंसर देते चलो, रुकना नहीं है, अंत तक आप लोगों को आंसर देने। ओ एस आई, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ये लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के आपका पूछा गया था, लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल सर्वर इंटरफेस, ओपन सर्वर इंटर कनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस या ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो याद रखना आप लोगों को, आपका एक स्टैंडर्ड यहाँ पे ये 7 लेयर मॉडल होता है, ये 7 लेयर 7 लेयर का नेटवर्क मॉडल होता है, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, अरे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस नहीं होगा, गलत है, ऑपरेटिंग से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आंसर होगा। तुक्के तुक्के लगा रहे हो तुम। देखिए ओएसआई का पूरा नाम आप लोगों से पूछा गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सी आंसर कहां से आएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट में, सी आंसर कहां से आएगा या ये बताओ, आंसर सी अभी भी दे रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस क्या होता है, व्हाट इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस? ये ओपन सिस्टम इंटरफेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस आपको पता है, यहाँ पे वो है ओपन सिस्टम इंटरफेस। दो तरह के नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, दो तरह के नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा, टेंशन मत लो। दो तरह के नेटवर्क मॉडल होते हैं, तो TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि 4 लेयर का होता है, और एक मॉडल जो होता है जिसे OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो कि 7 लेयर का मॉडल होता है। तो याद है कि 7 लेयर होती है, जिसमें एप्लीकेशन जो सबसे टॉप मोस्ट होती है, जो 7वीं लेयर होती है, पहली फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक होती है, तीसरी लेयर आपकी नेटवर्क लेयर होती है, चौथी ट्रांसपोर्ट होती है, फिर इसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट के बाद में आता है सेशन का नंबर, फिर आपका प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन। याद रखिए, गलती मत करिए, गलती की कोई, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ, बहुत बार बता दिया यार मैंने, पीडीएफ आप यहाँ पे देखना, क्वेश्चंस पे है, लास्ट क्लासेस देखा करो, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, पीडीएफ का पूरा नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, पीडीएफ का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले पार्ट में आप लोगों को बताना है, पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट होता है, और इस फाइल फॉर्मेट का बताना है कि पीडीएफ जो हम काम में लेते हैं इसका पूरा नाम क्या होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ जो आता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, जो जिस जो मांगते रहते हो आप, हर थोड़ी देर बाद में आंसर दोगे, नहीं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, लेकिन फुल फॉर्म किसी को नहीं आती उसके। फुल फॉर्म अगर बात करें, पूछ लिया जाए तो फुल फॉर्म, हाँ भैया पीडीएफ है, यहाँ पे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। पीडीएफ मांगने वाले गायब हो गए, उनको फुल फॉर्म का तो बताना ही नहीं है कभी। देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट में नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आप लोगों से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अरे भाई भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुम बता दो। ये एक ही सवाल के पीछे पड़ जाता, तो ये जो पढ़ रहे हैं वो तो हम अगर बात करें नहीं बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो टॉपिक है, टॉपिक की कोई बात नहीं करेगा, यहाँ पर बात करेंगे हम, वंस अपॉन ए टाइम अगर बात करें क्या हुआ था, ऐसा पूछा गया। ठीक है, आंसर आप लोग बताइए, आंसर जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, अगर लगता है किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ये छोड़ दो, मैं बाद में अपने आप बता दूंगा।
ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करिए, आने वाले कल की बात मत करिए। याद रखिए आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, टेंस पढ़े होंगे सभी ने, काल कहते हैं ना, हिंदी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, जो टेंस की बात करते हैं तो टेंस आप लोगों ने तीन पढ़े होंगे, पास्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो जो अगर बात करें पास्ट भूतकाल की बात होती है, जो चला गया उसकी बात करके अगर बात करें, जो पास्ट का मतलब होता है जो चला गया, और प्रेजेंट जो वर्तमान की बात, और जो फ्यूचर मतलब भविष्य का। तो यहां पे अगर बात करें जो नहीं, जो चला गया उसकी बात करके और जो आने वाला है उसकी बात करके, वर्तमान को खराब मत करें। याद कि हमेशा जो याद करने की बात करता है प्रेजेंट में जीना सीखिए। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर और अगर पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में वर्तमान को खराब मत करिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीबी का मतलब होता है पीयर टू पीयर, या फिर पीपीबी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, डेडिकेटेड कनेक्शन होता है दो डिवाइसेस के बीच में, वो पार्ट आप लोगों के पास में आता है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपका ये, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया जल्दी से, आरटीएफ। आरटीएफ अगर बात करें आप लोगों ने देखा होगा वर्ड पैड, ठीक है, वर्ड पैड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर होता है, और उस वर्ड पैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो आरटीएफ का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट के नाम से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, क्वेश्चन नंबर आपका 70 आप लोगों के सामने है। एसएमएस का पूरा नाम ये कल ही बताया था, आप चलो आंसर बताओ, कौन देखते हैं कौन कौन गलत बताता है। हाँ भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 70 हो चुका है, एसएमएस का पूरा नाम बताना है। अगर इसका अभी भी उत्तर नहीं बता पाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, कल की क्लास में ही मैंने बताया एसएमएस का पूरा नाम बताना है। अबे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं शॉर्ट मैसेंजर, देखो मैसेंजर तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी आंसर होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट मैसेज, हाँ भाई सभी आंसर, अरे डी आंसर कौन दे रहा है, डी आंसर, अरे सिग्नल मेमोरी स्क्रिप्ट, कहां से आंसर दे रहे हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस होगा। ठीक है, आप लोग बहुत मैसेज भेजते हो, ठीक है, एसएमएस आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों के सामने आ चुका है, एसएमटीपी का पूरा नाम बताना है। ठीक है, एसएमटीपी के बारे में आप लोगों को बताना है, एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमटीपी ये प्रोटोकॉल है, एसएमटीपी का मतलब स्ट्रक्चर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल की क्लास में ही बताया था, ईमेल संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है जिसे एसएमटीपी कहते हैं, जिसका प्रयोग आप ईमेल को सेंड करने और रिसीव करने से संबंधित कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है, ईमेल संबंधित कोई भी सर्विस को अगर आप लोग काम में लेना चाहते हो तो उसके लिए हम एसएमटीपी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल है, वीसीडी का पूरा नाम क्या है। वीसीडी, वीसीडी अगर बात करें, वीसीडी, वीसीडी का पूरा नाम बताना है, याद कर लो, वीसीडी का पूरा नाम होता है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म याद कर लेनी है, रट लेनी है, याद हो जानी चाहिए, मतलब सबको एक एक फुल फॉर्म याद हो जानी चाहिए। बहुत सारी फुल फॉर्म होती है लेकिन जो एग्जाम में आई हुई फुल फॉर्म्स है, सारी फुल फॉर्म्स मैं आपको करवा रहा हूँ। वीसीडी जो आता है जिसे वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं भाई, फुल फॉर्म सभी को याद हो जानी चाहिए, आपको रट लेना, आज रिवीजन कर लेना, ठीक है, फिर से वीडियो देख लेना, नहीं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसमें से पढ़ लेना। वीएस का पूरा नाम बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वीएस का पूरा नाम बताइए, वीएस का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, वीएस का मतलब यहाँ पर होता है विजुअल स्टूडियो होता है, एसटीयू होता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग काम में लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए, विजुअल स्टूडियो वीएस का पूरा नाम आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वीएस का पूरा नाम क्या होता है, विजुअल स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तुक्के नहीं मारे, वर्चुअल सिस्टम कुछ नहीं होता, अरे वर्चुअल काल्पनिक होता है,
वर्चुअल काल्पनिक होता है तो एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वी एस का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल सिस्टम नहीं होगा, विजुअल स्टूडियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर बताना है, XML का पूरा नाम क्या है, XML का पूरा नाम क्या है। चलो कोई बात नहीं, ला यहाँ पे आज की क्लास में एक और क्वेश्चन है एक्स है, चलो यहाँ पर इस वाले पार्ट में एक्स है ये दोस्तों, एक्स HTML है। चलिए एक्स HTML का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, एक्स HTML का नाम बताना है। तो एक्स HTML का जो होता है, जिसे एक्सटेंसिबल वर्ड काम में आएगा, बाकी तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सभी को पता है। अरे एक्सपेंडेबल कुछ नहीं होता, एक्सपेंड करना क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंड करना, कुछ ही नहीं होता, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जैसे ऐसी XML भी होती है। तो XML का मीन जो होता है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज डी आंसर होगा इस वाले पार्ट में। तो क्वेश्चंस के आंसर जो पूछे जाते हैं इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों के पास में जरूर पूछे जाते हैं। आप लोग रिवीजन करिए इन क्वेश्चंस का, ये PDFs जो आपके फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस वाले पार्ट में पटवार से संबंधित जितनी भी क्लासेस है सब दिवाली के बाद में शुरू होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चला करेगी। आप लोग रिवीजन कर लीजिए इन चीजों का, ठीक, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप फिर से याद करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल एक कल आप लोगों के पास में आप लोगों की जो क्लास होने वाली, मैथ्स की क्लास दिवाली बाद में होगी, मैथ्स हिंदी इंग्लिश सबकी दिवाली बाद में होगी, कल आपका संडे, और संडे को कल 5 घंटे की विशेष मैराथन क्लास रखी गई है, महिला और हैवलेट पैकेट कहते हैं HB का पूरा नाम, महिला और बार अपराध की। लगभग 400 के करीब सवाल करवाए जाएंगे, जिसमें से यकीन मानिए कि आपके जो भी 10 क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस में आने वाले हैं, उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपके हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, हो सकता है कल ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कल हो सकता है कल शाम को आपकी MS ऑफिस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की आपकी जो सवाल एक ही क्लास होगी लगभग 3-4 घंटे की, वो भी हो सकती है, नहीं तो मंडे को होनी है। इसके अलावा अगर बात करें एग्जाम से पहले, मैं एक दिन कंप्लीट रिविजन करवाऊंगा, कंप्लीट रिविजन मतलब सुबह से शाम तक मैं पूरा कंप्यूटर एक दिन में आपका रिविजन करवाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि अगर बात करें आप लोग एग्जाम जब देने जाएं तो आपके सारे सवाल सही हुए, ठीक है। इसलिए अगर बात करें तैयारी करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन क्योंकि हम कभी लेते नहीं है, हम केवल देते हैं। तो इसलिए अगर बात करें याद रखिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आज महिला बाल अपराध की क्लास जो 11 बजे होती है, वो क्लास शाम को 6 बजे होगी, कितने बजे होगी, शाम 6 बजे होगी, ठीक है। तो 6 बजे अगर बात करें शाम को, हम फिर से मिले, महिला बाल अपराध की क्लास है, 4 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है, वो भी क्लासेज लीजिए, ठीक है। यहाँ पे महिला बाल अपराध की कल क्लास आपकी जरूर होगी, आपकी लगभग 5 से 6 घंटे क्लास होने वाली है, ठीक है, रिविजन करते रहिए। और आपके जो भी पेपर, ठीक है, जो भी अगर बात करें टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, उन टेस्ट सीरीज का लाइव उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।